वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक से फोर्थ चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल के क्वेश्चन आंसर, यानी किसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम समझेंगे। और यहाँ पर एक्सरसाइज में जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। आर्ट के बारे में, कला के बारे में जो चाइनीज व्यू है और जो यूरोपियन व्यू है, जो चाइनीज विचारधारा है और जो यूरोपियन विचारधारा है, उसमें कंट्रास्ट करना है, मतलब दोनों में हमें अंतर बताने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। एंड हियर इज द आंसर। आंसर सेज द चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच, वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ एन एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट। जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं वो इमेजिनेटिव होती हैं, यानी कि कल्पनाशील होती हैं, इनर होती हैं, आंतरिक होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं। ये स्पिरिचुअल अप्रोच पर बेस्ड होती हैं, मतलब जो चाइनीज पेंटिंग है उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, इनर होता है और स्पिरिचुअल अप्रोच होता है। वेयर एज, जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक वास्तविक व्यू को, एक्चुअल व्यू, वास्तविक व्यू, उसे रिप्रोड्यूस करती हैं, उसे पुनः निर्मित करती हैं, जो कि एक्सटर्नल या रियल ऑब्जेक्ट पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप भी आएगा जो कि इस आंसर में लगाना भूल गया है। द पेंटिंग्स ऑफ बुदाउजी एंड मास्टर पेंटर्स ऑफ यूरोप इलस्ट्रेट द डिफरेंस। और जो बुदाउजी की पेंटिंग्स हैं जो कि चाइनीज बेस्ड होती हैं, और जो यूरोप के मास्टर पेंटर हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो इस डिफरेंस को इलस्ट्रेट करती हैं, यानी इन डिफरेंसेस का एग्जाम्पल देती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज पेंटिंग जो है वो इमेजिनेटिव, इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच पर बेस्ड होती हैं, आधारित होती हैं, जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग है वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक्सटर्नल या रियल ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसे एक्सप्लेन करना है। सेंचुरी है क्या, इस बात को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। एंड द आंसर इज सेंचुरी मीनिंग माउंटेन वाटर। सेंचुरी जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर, पर्वत और पानी। रिफर्स to a style of Chinese painting that involves natural landscape. Shenshui, जो कि जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, ये एक चाइनीज पेंटिंग का स्टाइल है जिसमें नेचुरल लैंडस्केप यानी प्राकृतिक भू दृश्य शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। द लैंडस्केप विच इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और इसमें जो भू दृश्य होते हैं, जो लैंडस्केप होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी खासियत होती है कि ये इनर होते हैं, आंतरिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और कंसेप्चुअल यानी वैचारिक होते हैं। इट रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स इन एंड यांग। ये जो सेंचुरी है ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करता है। दो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, एक दूसरे को जो पूरा कर रहे हैं। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पोल्स हैं इन्हें हम जानते हैं इन और यांग के नाम से। इन जो होता है वो वाटर होता है, और यांग जो होता है वो माउंटेन होता है। आप यहाँ पर एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, इन मीन्स वाटर एंड यांग मीन्स माउंटेन, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। और ये जो इन एंड यांग है, जो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, ये यूनिवर्स के बारे में जो दाओइस्ट व्यू है, बुदाउजी का जो व्यू है, उसे ये रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे उसका झलक दिखलाते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, अब सेकेंड क्वेश्चन है और इसके अंदर भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड द आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हम
आउटसाइडर आर्ट है, आर्ट ब्रट है या रॉ आर्ट है, हमें बताना है कि इनका अर्थ क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स, आप इन टर्म्स से, इन शब्दों से क्या समझते हैं. आंसर इज आउटसाइडर आर्ट्स रिफर्स टू दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. आउटसाइडर आर्ट, ये जो वर्ड है ये रिफर करता है, ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है, दोज वे लोग हु हैव नो राइट, ये राइट कौन सा है, अधिकार वाला, जिन्हें कोई भी राइट नहीं है, जिन्हें कोई भी अधिकार नहीं है टू बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बनने का. तो आउटसाइडर आर्ट उन लोगों के लिए है, दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें आर्टिस्ट बनने का अधिकार नहीं है. क्यों ऐसा, एस क्योंकि they have received no formal training, उनने कोई भी formal training receive नहीं की है, उनने कोई training नहीं ली है art के लिए. yet फिर भी show talent and artistic inside, फिर भी बिना किसी formal training के वो talent और artistic inside को show करते हैं, उनके अंदर हुनर है, वो अपने talent को show करते हैं. art brut और raw art are the works of art in their raw state as regards cultural and artistic influences. ये जो आर्ट ब्रट है या जो रॉ आर्ट है, हम कच्ची कला जिसे कहते हैं, ये आर्ट का वह वर्क है जो कि रॉ स्टेट में है. रॉ स्टेट मतलब कि कच्ची स्टेट, जो मैच्योर नहीं है, एकदम पूरी तरह से परिपक्व नहीं है. तो ये वो आर्ट वर्क है जो कि अपने रॉ स्टेट में होता है, जिसे हम कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी जो इसकी आंतरिक कला है उसके रिगार्ड में जब हम देखते हैं तो वो रॉ स्टेट में होता है, मैच्योर स्टेट में नहीं होता है. तो ये आर्ट ब्रट कहलाता है. जब कोई आर्ट रॉ स्टेट में है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो उसे हम आर्ट ब्रट नाम देते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज Who was the untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art? बहुत ही important question है ये, exam में last year पूछा गया था कि who was the untutored genius? वो untutored genius कौन था? Untutored यानी जिसने tuition नहीं लिया है, अप्रशिक्षित है जो, और genius that means जो बहुत ही प्रतिभाशाली है. तो वो untutored genius कौन है जिसने paradise यानी स्वर्ग को create किया, निर्माण किया. And what is the nature of his contribution to art? उसने और उसका वो जो untutored genius है उसका art में क्या contribution है, उसने art के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्या contribution यानी कि क्या योगदान दिया. And the answer is, पहले तो हम बता दें कि वो untutored genius कौन है. The untutored genius who created paradise was Nekchand. वो untutored genius कौन है, उनका नाम है Nekchand. An 80 years old creator director, जो कि 80 years old हैं और वो creator और director हैं. Creator यानी निर्माण करने वाला, director जो उसे निर्माण के साथ साथ उसकी देखरेख भी कर रहा है. Who made the world famous rock garden at Chandigarh? जिन्होंने चंडीगढ़ में वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन का निर्माण किया हुआ था. आपको पता है ना चंडीगढ़ में एक वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन है और उसको किसने बनाया है, नेकचंद जी ने, इसलिए वो उन्हें अनट्यूटर जीनियस कहा गया है. इधर पे सुधारिएगा, इधर पे हिज नहीं है, ही होगा. ही वॉज एन आउटसाइडर आर्ट इन विच ही स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल. यहाँ पर अभी इसके पहले हमने आंसर में देखा था आउटसाइडर आर्ट, तो ये जो नेकचंद जी हैं वो भी एक आउटसाइडर आर्ट है क्योंकि उनने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग रिसीव नहीं की है, जो भी किया उनने खुद से किया, कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं इस कल्चर को आगे बढ़ाया था उनने, तो इसलिए वो क्या है, आउटसाइडर आर्ट है. ही स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल, उनने अपने रॉक गार्डन का निर्माण कैसे किया, स्टोन और पत्थर से, और जो रिसाइकल्ड मटेरियल है, जो टूटा फूटा कबाड़ था उससे उनने उस गार्डन को स्कल्प्ट किया. ही यूज्ड एनीथिंग टू एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कैन टू एन आर्टिस्टिक पीस.
अपने रॉक गार्डन के निर्माण में उन्होंने हर चीज़ का यूज़ किया, एनीथिंग टू एवरीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से लेकर के हर चीज़ तक उन्हें यूज़ किया। टिन से लेकर के सिंक तक, टिन का यूज़ भी किया, सिंक का भी किया, ब्रोकन डाउन कैन, टूटा हुआ डिब्बा, उसे भी यूज़ किया टू फॉर्म एन आर्टिस्टिक पीस। और इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इनको रिसाइकिल करके उनने इसे एक आर्टिस्टिक पीस का फॉर्म दिया। वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर, उनकी जो बहुत सारी क्रिएशंस हैं उनमें से एक जो बहुत फेमस है वो है वीमेन बाय द वाटरफॉल। वीमेन बाय द वाटरफॉल ये उनकी एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्रिएशन है, जिसे कि काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारा आ रहा है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। ये एक स्टेटमेंट दिया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसे हमें डिस्कस करना है, इसे इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। एम्परर यानी जो महाराज है ना, जो राजा है, बादशाह है, किसी भी टेरिटरी पर, किसी भी किंगडम पर जो उसने कंक्वायर किया है, जो उसने जीता हुआ है, उस पर वो रूल कर सकता है। जो एम्परर है वो अपनी टेरिटरी पर जो उसने कंक्वायर किया है उस पर रूल कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जाने का जो वे है, जो रास्ता है, वो सिर्फ आर्टिस्ट को पता होता है, सिर्फ कलाकार को पता होता है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। दिस सेंटेंस एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इवन दो एन एम्परर माइट रूल एन एंटायर किंगडम एंड हैव पावर ओवर हिज कंक्वायर्ड टेरिटरी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एम्परर है वो अपने पूरे किंगडम पर, एंटायर किंगडम, जो पूरा संपूर्ण उसका राज्य है, उस पर वो रूल कर सकता है। और जो उसकी कंक्वायर्ड टेरिटरी है, जो उसने जीता हुआ, जिस जो उसका जीता हुआ क्षेत्र है, उसके ऊपर उसका पावर हो सकता है। लेकिन ओनली एन आर्टिस्ट बुड, ये बुड है ना, बुड बी एबल टू गो बियॉन्ड एनी मटेरियल अपियरेंस। ये स्पेलिंग आप सुधारिएगा, बियॉन्ड है यहाँ पर, बी ई वाई ओ एन डी। तो लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट जो है वो इस एबल होता है, इस योग्य होता है कि वो बिना किसी मटेरियल अपियरेंस के, पदार्थ बाद के, इस टेरिटरी के बियॉन्ड जा सकता है। ही नोज बोथ द पर्थ एंड द मेथड ऑफ द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। जो आर्टिस्ट होता है उसे दोनों चीज़ें पता होती हैं, ही नोज बोथ, वो दोनों चीज़ें जानता है। और वो दोनों चीज़ें क्या हैं, द पथ, रास्ता, एंड द मेथड, और तरीका। जो मिस्टीरियस वर्क है यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड में जितने भी मिस्टीरियस, रहस्य से भरे हुए जो वर्क हैं, उसका पथ यानी उसका रास्ता और मेथड दोनों सिर्फ आर्टिस्ट जानता है। ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन ओनली बाय मीन्स known to him। जो उसके वर्क की, जो किसी भी आर्टिस्ट का जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसकी जो ट्रू मीनिंग है, उसकी जो सही मीनिंग है, वो सिर्फ उसके मीन्स, उसके तरीके से ही कैन बी सीन, देखी जा सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ पावरफुल एन एम्परर इज। कोई भी एम्परर, कोई भी बादशाह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इस उसके वर्क की ट्रू मीनिंग को नहीं जान सकता है। उसके वर्क की ट्रू मीनिंग को सिर्फ वही व्यक्ति अपने तरीके से ही समझा सकता है। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि जो एम्परर है वो अपनी टेरिटरी पर, अपने किंगडम पर, अपने राज्य पर रूल तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो सिर्फ आर्टिस्ट, सिर्फ कलाकार को ही पता होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडस्केप इज एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। हमें ये समझाना है कि जो लैंडस्केप होता है, जो भूदृश्य होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है, वो क्या होता है, आंतरिक होता है, आध्यात्मिक होता है और वैचारिक होता है। आंसर इज दिस फ्रेज एक्सप्लेन द चाइनीज आर्ट फ्रॉम वेयर अ चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। ये जो लाइन यूज़ की गई है, ये जो फ्रेज, ये जो सेंटेंस यूज़ किया गया है, यहाँ पे फ्रेज बोला गया है इसको, ये फ्रेज इस बात को एक्सप्लेन करता है कि चाइनीज़ आर्ट जो होता है वहाँ, उसमें चाइनीज़ पेंटर जो है वो चाहता है
कि आप उसके माइंड पर एंटर करें, आप उसके दिमाग का ही यूज़ करें, आप उसके दिमाग से ही उसकी पेंटिंग पे जाएं, रादर देन बोरो हिज आई। बल्कि वो ये चाहता है कि आप उसकी आईज़ को ही बोरो कर लें, आप उसकी आँखों को ही उधार ले लें। दिस इज़ अ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन। और ये जो है ये एक फिज़िकल शारीरिक और साथ ही साथ मेंटल मानसिक पार्टिसिपेशन है, मतलब इसमें जो व्यूअर होता है, जो देखने वाला है, वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से इन्वॉल्व होता है, दोनों चीज़ों से पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ अ लैंडस्केप क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड बैक अगेन थ्रू द व्यूअर्स आई। इसका मतलब ये है कि जो लैंडस्केप है जिसे किसी आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है, वो भूदृश्य जिसे किसी कलाकार ने बनाया है, उसमें ट्रबल करना, अप एंड डाउन, उसमें घूमना, वापस आना, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थ्रू द व्यूअर्स आई, देखने वाले के नज़रिए से होती हैं। द लैंडस्केप इज़ नॉट रियल, जो भूदृश्य है, जो लैंडस्केप है, ये रियल नहीं होता है। कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी पॉइंट, और वो किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से पहुँचा जा सकता है। देन द नेक्स्ट, ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ इन एंड यांग इन अदर कल्चर। जिस तरह से चाइनीज़ कल्चर में बताया गया कि इन और यांग होते हैं, माउंटेन और वाटर होता है, इस तरीके से दूसरे कल्चर में इन और यांग की जगह और कौन सी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जो आपस में कोरिलेट करती हैं। तो इन द इंडियन कल्चर लेस स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। तो हम अपने इंडियन कल्चर का बता देते हैं कि जिस तरह से चाइनीज़ में इन एंड यांग है, तो हमारे इंडियन कल्चर में नेचर एंड गॉड है। नेचर इज़ द इन द फीमेल पार्ट, वेयर इज गॉड इज़ द क्रिएटर इज़ द मेल पार्ट। यहाँ पर इंडियन कल्चर में नेचर और गॉड है, नेचर जो है वो इनकी तरह है जो कि फीमेल पार्ट होता है, और जो गॉड है वो क्रिएटर है, वो मेल पार्ट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज माया और ब्रह्म, और यदि हम ज़्यादा इसको एलैबोरेट करते हैं तो ये माया और ब्रह्म के रूप में भी जाना जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएटर्स द क्रिएट्स द होल वर्ल्ड, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही पूरे वर्ल्ड को क्रिएट करता है। ऑल इट्स ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन हैबिटेंट्स, इस वर्ल्ड के सारे ऑब्जेक्ट को और हैबिटेंट्स को यही दो चीज़ें क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इज फ्लैंडर, फ्लैंडर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, एंड द आंसर इज फ्रेंच, द लैंग्वेज इज फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर विच इज़ अ रीजन इन बेल्जियम। फ्लैंडर जो है वो बेल्जियम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा भी गया था।